कैसा आप लोग, मैं हूँ आपका पानी छोड़ थोड़ा थोड़ा चिचो आप देखिए क्यों। तो आज हमारा प्लान बना है कि भैया हम जाएंगे सल्फर पॉन्ड, और ये देहरादून में है माल देवता साइट, लेकिन अभी तक मैं गया नहीं हूँ और बहुत सारे लोगों ने वहाँ की वीडियो बनाई हुई है लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया हुआ है। तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि कहाँ से जाना है, और आपको भी दिखाऊंगा मैं कहाँ से आप आ सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए जी चलते हैं। हम माल देवता रोड से थोड़ा ही आगे पहुंचे थे कि हमारे जो गाड़ी है ना स्कूटी पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, और बुलेट में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। और इसमें क्या हो गया दिखाता हूँ आपको मैं, देखो टायर फूल गया यहाँ पे, ये टायर चेंज कराना, टायर ही बदलेगा, पंच लगाओ कोई फायदा नहीं, खराब हो गया। ये देखो टायर पूरा फट चुका है हमारा, पता नहीं एकदम से कैसे फटा। यहाँ पे स्वामी भाई है, वहाँ पे ये समर भाई, इधर देखना शक्ल दिखाना समर भाई, ये मैं टायर डाल रहा हूँ मुझे अपोलो का, इसकी 3 साल की वारंटी है, नॉट गारंटी। फिर क्या होता है ये, फाइनली नया टायर लग गया हमारा, देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और अब सीधे जाएंगे हम सल्फर पॉइंट की तरफ, तो लेट्स सी क्या होता है। भैया ऊपर जा रही है टिहरी के लिए, धनौल्टी के लिए, आपको वहाँ नहीं जाना, आपको आना है सीधे इधर आगे। आप देख रहे हो एक राइट में, एक लेफ्ट में, और एक मिडिल बीच वाला, तो हमें जाना है बीच वाले रास्ते में इधर लेफ्ट के लिए। तो भैया नीचे देखो आप, नदी बह रही है सोंग नदी माल देवता में जो बहती है, और ये देखो पूरा ऑफ रोडिंग है आगे हमें, मतलब यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर से भी अबव जाना है। दादू यहाँ पे ना मतलब बहुत सारे लोग साइकिल में ही आ जाते हैं, तो मतलब सलूट होता है ऐसी रोड पर साइकिल चला के इतनी दूर जाते हैं और फिर वहाँ से वापस भी आते हैं। तो भैया यहाँ पर से आपको एक रोड दिखेगी ऊपर के लिए, और लेकिन आपको ऊपर नहीं जाना है, यहाँ से एक रोड आपको दिखेगी यहाँ से डाउन के लिए, देख रहे हो आप लेफ्ट, ये आपको सीधे नहीं जाना है, यहाँ से डाउन जाना है पूरा इधर इधर। तो यहाँ पे भैया आप देख रहे हो एक चौराहा है, और यहाँ से आपको जाना है इधर को राइट के लिए। तो भैया अराउंड हम आ चुके होंगे 10 किलोमीटर तक तो आ ही गए होंगे, और यहाँ पे हम रुके हैं छोटा सा, यहाँ पे शॉप जैसी दिख रही है, इलाका देखो पूरा मस्त है, यहाँ पे गाड़ी गुड़ी भी आई है, ढूंढ लो कहाँ से आए हैं यार, भयंकरी रास्ते जिसे बोलते हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पहुँचने तक, मजा आ रहा है? और आपको सर मजा आ गया, चूना लग के 1300 का चूना लग के। यहाँ पे चौमिन समर भाई की, ये अपन की है जी समोसा, अपन का समोसा। और अभी ये क्या बताओ, स्वामी भाई का कुछ आया नहीं है, अंकित भाई भूखे बैठे हैं, तो लेट्स सी खा पी के चलते हैं फिर सल्फर पॉइंट की तरफ। भैया अभी हम रास्ते में पहुंचे थे, और यहाँ पे देखो एक वाटरफॉल दिख रहा है बहुत ही प्यारा, अभी पता नहीं कितना दूर है, और अभी मेरे साथ समर भाई है पीछे बैठे हुए, तो अंकित और सौमिक आगे चले गए स्कूटी में, हम बुलेट में हैं, और देखते हैं पता नहीं कितनी दूर है अभी। तो भैया यहाँ पे रास्ता है टूट गया आई थिंक इसके वजह से, और वहाँ पर भी ना यहाँ पर से इधर को जाना था हमें, बट अभी हम यहाँ पे रोक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं लगता कि बुलेट चढ़ पाएगी ऊपर। अरे देखो यहाँ का सीन कुछ ऐसा यार मस्त, एकदम प्यारा सीन देखो, एकदम नीचे नदी बह रही है प्यारी प्यारी, और ऊपर देखो ना, ऊपर भी कितना प्यारा व्यू है देखो आप, चलते हैं। और यहाँ से आई थिंक आगे है रास्ता, आई डोंट नो किधर को है, तो अभी देखते हैं कहाँ को है। तो भैया मेरे को लग रहा था यहाँ से पार जाना है, लेकिन लेट्स सी क्या पता ऊपर आगे रास्ता हो। यहाँ से आए हम नीचे वहाँ गाड़ी लगा के, अब देखो यहाँ पूरी चढ़ाई है, और पीछे देख रहे हो एक प्यारा सा गांव है यार, पता नहीं कौन सा गांव है, पर हम सही रास्ते से आए हैं या नहीं आए हैं मुझे अब ये भी कंफर्म नहीं है। तो अभी सब ने गाड़ी लगभग जो भी यहाँ लेके आए थे यहाँ पर तो लगा दिया है, अब यहाँ से कहाँ जाना है ये भी पता नहीं है, तो देखते हैं आगे चलते हैं, हम चलते रहते हैं, जहाँ मंजिल लेके जाएगी ना वहाँ चले जाएंगे। और सल्फर पॉइंट मिल गया तो वेल एंड गुड, आप भी इसी रास्ते से आना, नहीं मिला तो अगले टाइम पीस। तो यहाँ से हम आए, पता नहीं हम कौन से रास्ते आ रहे हैं, यहाँ पे 4 रास्ते हैं, तो अभी हमने पूछा ऊपर, तो यहाँ से पहले डाउन जाना है, फिर वहाँ से ऊपर कहीं
आई डोंट नो कहाँ है यार, और पसीना देख रहे हो पूरा एकदम, पूरा भयंकर स्वामी बाइक को देखो, भयंकर पसीना हो गया है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, क्यों स्वामी भाई? हाँ तो जोश भैया, सल्फर बॉन्ड तो मिला नहीं हमें, लेकिन यहाँ पे एक झरना मिला प्यारा सा। तो जहाँ जितना भी हम चले हैं ना अभी तक, बोल रहे एक किलोमीटर है, एक किलोमीटर है, तब तक हम दो तीन किलोमीटर तक चल चुके हैं। चले क्या आगे? लेकिन जिस हिसाब से लोग वापस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरा सल्फर पॉइंट भरा हुआ होगा। आपको क्या लगता है भाई? बहुत भीड़ है, बहुत। हाँ, और पसीना देख रहे हो आप। आपको बताऊंगा भाई, रिस्क है यहाँ पे आना। आओगे तो सुबह आना, ताकि आप आराम से अपना डे यहाँ पे स्पेंड कर सको। और दूसरी बात, यहाँ पर कूड़ा मत फैलाना यार। मैं बीच में देख रहा था एक दो जगह पूरा बहुत लोगों ने कूड़ा फैला हुआ था, तो ऐसा मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट। यहाँ पे आप पहाड़ देखो कि एकदम मतलब छू रखा है एकदम बादलों को, देख रहे हो आप? जैसे गांव में लगता है ना एकदम चारों साइड, वैसे ही एकदम। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे समर भाई आ रहे हैं, तो कैसे लगा सर अभी तक? मंजिल लिख ली। हाँ तो भैया देख सकते हो आप मस्त नज़ारे भाई के। यहाँ पे पाँव मुड़ के आई थिंक, क्या हुआ? ओहो भीड़ हो रखी है तो काफी। अरे कुछ नहीं है यार, नहीं बस पहुंच गया यार, अभी क्यों दम तोड़ रहे हो? पैर मुड़ गया बस। भाई जी भी वापस आ रहे हैं, भाई जी बोल रहे पहुंच गए। तो एक चीज और बोलूंगा कि भैया अगर आप फिजिकली फिट हो तभी आओ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ऊपर एक रास्ता है, यहाँ पर से दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे लिखा है 17/15, तो यहाँ से हमें जाना है नीचे को। और नीचे हम पहुँचने वाले हैं सल्फर पॉन्ड में, और मेरे को लगता है बहुत सारे लोग हैं करके यहाँ पे, तो दिखाता हूँ ना आपको बढ़िया करके सल्फर पॉन्ड। अब बहुत सारे लोगों को पता चल गया, जैसा आप देख रहे हो बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, और स्वामी भाई थक के यहाँ पे बैठ चुके हैं। और हम तीनों का प्लान है भैया, हम क्या करेंगे? नहाएंगे भैया, इतनी दूर आए हैं तो नहाना तो बनता है। तो चलो भैया पूछते हैं सीधा। तो भैया अभी सारे लोग चले गए हैं, और आप जैसा देख सकते हो ये है जी हमारा सल्फर पॉइंट। एक ये है, और यहाँ ऊपर भी है छोटा सा जैसा आप देख सकते हो पूरा। और यहाँ पे लोग अभी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी पूरे लोग चले गए हैं। और यहाँ देखो कितना प्यारा व्यू है, इधर खेत है कोई, मतलब लोगों का खेत है। और इधर भी एक गाँव है यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो, ये पूरा गाँव। और इस साइड ना धूप भी लगी है, अभी टाइम 6 बजने वाला है, और हमें यहाँ से निकलना भी है देहरादून के लिए। तो इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी मजेदार वीडियो आपके लिए हमेशा देहरादून से लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइस आपको कल एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।